पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। स्थानीय राजकीय मध्य विद्यालय के सभागार में पंचायत समिति की बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख जूली तिर्की ने की। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों सहित पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा में वन विभाग द्वारा टेहरी में भालू के हमले से घायल हुए लोगों को जल्दी मुआवजे की भुगतान किए जाने की बात कही गई। बैठक में BDO विपिन कुमार भारती ने विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा संबंधी सुधार का निर्देश दिया, साथ ही सभी छात्रों का खाता अविलंब खुलवाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कोरोना काल में विद्यालय में शिक्षकों की ड्यूटी रोस्टर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि कल्याण विभाग द्वारा PTG टोले में अन्य विकास योजनाओं सहित 119 बिरसा आवास के लिए लाभुकों की अनुशंसा की गई है। इसमें विधवा महिला को प्राथमिकता दी जानी है। बताया गया कि अनाथ बच्चों के लिए कल्याण विभाग द्वारा पालनहार योजना चलाई जा रही है। इसके तहत 6 बच्चों का नाम भेजा गया है, उन्हें प्रति माह 2000 रुपए मिलेगा। बैठक में कहा गया कि सर्पदंश के कारण हुई मौत पर मृतक के परिजनों को प्राकृतिक आपदा के तहत 4,00,000 रुपए का मुआवजा राशि दिए जाने का प्रावधान है। इसका लाभ तभी मिल सकेगा जबकि मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया हो। कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि किसानों के बीच 19 क्विंटल सरसों के बीज बांटा जाना है, इसके लिए किसानों का चयन किया जा रहा है। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य रमेश सोनी, BDC सुभाष गुप्ता, विजय आनंद मिंज, मुखिया बालदेव टोप्पो, तरशीला बाखला, प्रभा कुजूर, उप प्रभारी जगनारायण शर्मा, पंचायत सचिव सुरेश मेहता, अरविंद सिंह, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, कल्याण पदाधिकारी मोजेस किसपोट्टा, उप प्रभारी जगनारायण शर्मा, रोजगार सेवक संजय लकड़ा, विजय कच्छप आदि सहित अन्य लोग उपस्थित थे।